नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 13 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 13 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की करंट अफेयर की PDF चाहिए तो वो हमारे WhatsApp नंबर 9111920612 पर मैसेज करके इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको लेटेस्ट 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे। 31 दिसंबर 2021 तक जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस है सारे मिलेंगे, ठीक है। और देखिए जनवरी 2020 की करंट अफेयर भी आ चुकी है तो आप वो भी ले सकते हो। दोस्तों इसमें आपको 12 PDF मिलेगी, अगर आप सिंगल PDF में परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिविजन कर ले। तो 1 फरवरी को हमने भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई थी और ये 40वीं वर्षगांठ मनाई थी दोस्तों। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे और 11 फरवरी को दोस्तों व्यान में लड़कियां और महिलाएं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान न्यू दिल्ली द्वारा शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया दोस्तों? तो ये 6 अधिकारियों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये किस विभाग के द्वारा दिया गया है? तो ये केंद्रीय शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों के बीच बनेगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के बीच बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। और दोस्तों ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और 1 एकड़ जमीन में बनेगा, तो लगभग 20,000 से 25,000 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा इसको। और देखिए भोपाल इंदौर रोड और उससे लगे मार्गों को जोड़ते हुए मेगा इंडस्ट्रियल रीजन भी तैयार किया जाएगा। तो मेगा इंडस्ट्रियल रीजन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके बनने से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी होगा और नए उद्योगों की स्थापना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बेबी फीडिंग सेंटर, इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? दुलार रखा गया है, ठीक है। तो इसका शुभारंभ करने वाला हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो ये जीयू ग्वालियर है, ठीक है, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवाजी यूनिवर्सिटी हमारे मध्य प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसने बेबी फीडिंग सेंटर जिसका नाम दुलार रखा गया है तो इसका शुभारंभ किया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जीवाजी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये ग्वालियर में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसके अभी चांसलर कौन है दोस्तों? तो ये होते हैं गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी श्री मंगू भाई पटेल, हम इसके चांसलर हैं। और वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? अविनाश तिवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनायक आयोग और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में पौड़ शिक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इंदर सिंह परमार हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री है। डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। विश्वास कैलाश सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है और यशोधरा राजे सिंधिया दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री है, ठीक है। जो प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप है तो इसका शुभारंभ किस शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है दोस्तों? तो जो पढ़ना लिखना अभियान है उसको संचालित करने के लिए, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को संचालित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2022 से यानी इसी वर्ष से दोस्तों कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री, ये तीनों पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वर्ष 2022 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और दोस्तों ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाएंगे? तो कला के क्षेत्र में दिए जाएंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाएंगे, संस्कृति के क्षेत्र में दिए जाएंगे और विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का पहला स्लालम कोर्स हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बना था, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में बना था, ठीक है,
खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में बना था। कब बना था? 2016 में बना था। और किस नदी पर बना था दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया था। इसका पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहां बनाया जाएगा? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा और दोस्तों ये आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में डायनासोर के अंडे से संबंधित जीवाश्म मिले दोस्तों? तो देखिए ये बड़वानी जिले के सेंधवा कासखंड की वरला तहसील में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, वरला तहसील में डायनासोर के अंडों से संबंधित जीवाश्म मिले हैं। बाकी दोस्तों देखिए इसमें कुछ विरोधाभास भी चल रहा है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर है धनंजय मोहबे जी, डॉक्टर धनंजय मोहबे जी, तो इन्होंने कहा है कि ये अंडे नहीं है, लावा से बना बेसाल्ट पिंड है। दोस्तों इस पर अभी कोई भी अगर जानकारी आती है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा विकासखंड की वरला तहसील के जंगल में डायनासोर के अंडों से संबंधित जीवाश्म मिले हैं। बड़वानी के जंगल में मिली 10 अंडाकार चट्टानों की जांच के पश्चात पुरातात्विक डॉक्टर डीपी पांडे ने बताया कि ये डायनासोर के अंडे हैं जो 60 लाख से 1 करोड़ वर्ष पुराने हो सकते हैं। और इन अंडों के सबसे बड़े अंडे का वजन करीब 40 किलो बताया गया है, जबकि अन्य करीब 25 किलो तक के हैं। इनमें से 3 अंडे को इंदौर स्थित संग्रहालय में रखा जाएगा। धार जिले में दोस्तों 2007 में भी डायनासोर के जीवाश्म मिले थे, जिन्हें मांडू में बने फॉसिल पार्क में रखा गया है, ठीक है। तो फॉसिल पार्क कहां पर है दोस्तों? ये मांडू में है। मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो यहीं से डायनासोर के जीवाश्म कब मिले थे? 2007 में मिले थे। ये गुगुआ जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में साहपुरा के पास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें 18 जीव वैज्ञानिक कुलों के 31 वंश के पौधे के जीवाश्म मिले हैं। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की श्रुति सक्सेना ने मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो देखिए रेलवे में ट्रेनर मैनेजर श्रुति सक्सेना ने गोवा में हुआ मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया है और देश विदेश से आई 12 महिलाओं के बीच ये टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खंडवा के जिले में दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये किन दो कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जाएगा? तो वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम के द्वारा लगाया जाएगा। तो भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा और यह संयंत्र दोस्तों हर दिन 30 टन बायोमास फीडस्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम के द्वारा लगाया जा रहा है। दोस्तों कंपनी के पास थर्मली त्वरित एनारोबिक पाचन रिएक्टर की तकनीक है, जो बायोमास से हाइड्रोजन, मीथेन और बायोचार का उत्पादन कर सकती है। बीजल ग्रीन के पास अभी तक नामित संयुक्त उद्यम में 50% का स्वामित्व होगा और अन्य 50% इच्छुक किसानों से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंदौर के आवेश खान को आईपीएल 2022 में किस टीम ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है दोस्तों? तो ये किस टीम ने खरीदा है दोस्तों? लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसके पहले दोस्तों ये किस टीम से खेल रहे थे? तो दिल्ली डेयरडेविल्स से खेल रहे थे। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के युवा तेज गेंदबाज आवेश खान को आईपीएल 2022 के मेगा नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ में खरीदा है दोस्तों। और इसी के साथ ये खिलाड़ी आईपीएल में सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी बन गया है। और दोस्तों इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ईशान किशन बने हैं, ठीक है। इनको मुंबई इंडियंस ने लगभग 15 करोड़ में खरीदा है। आवेश खान पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे और वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भी दूसरे नंबर पर रहे थे। आवेश ने अपनी आईपीएल का करियर की शुरुआत कब से की थी दोस्तों? 2017 से। उस टाइम ये किस टीम से खेल रहे थे? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से खेल रहे थे। 2018 में वह डेल्ही डेयरडेविल्स से खेले हैं और पिछले सीजन आवेश ने 16 मैचों में 24 विकेट लिए थे और पिछले सीजन में ये विकेट लेने के मामले में दोस्तों दूसरे स्थान पर थे। दोस्तों हम 14वें सीजन की बात करें आईपीएल की, तो 14वां सीजन किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। किसको हरा के? कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के, ठीक है। और फाइनल में कितने रन से हरा था दोस्तों? 27 रन से हराया था। और दोस्तों ये चेन्नई सुपर किंग्स का कौन सा खिताब था? चौथा खिताब था। इसके पहले ये 2010 में, 2011 में और 2018 में जीत चुकी है। अच्छा 2021 का ऑरेंज कप किसे मिला था दोस्तों? तो ये मिला था ऋतुराज गायकवाड़ को, ठीक है। ये चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी है। और कल का हमारा क्वेश्चन था, महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों महिला एनसीसी महिला ट्रेनिंग अकादमी देश भर में एकमात्र ग्वालियर में स्थित है
और ग्वालियर एनसीसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 10 जुलाई 1964 को की गई थी। डेट याद रखिएगा दोस्तों। और 1982 में रीडिजाइन कर ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया था। और आज का जो सबसे अच्छा आंसर है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा किया गया है? नवीन वर्मा के द्वारा। तो इनके द्वारा बताया गया कि महिलाओं के लिए एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। ग्वालियर में सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय भी स्थापित है। और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी है। ग्वालियर में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जो कि दूधिया रोशनी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देश का पहला कार्गो हवाई अड्डा भी ग्वालियर में है। महालेखाकार का कार्यालय भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और ग्वालियर को तानसेन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रानी विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अभी तक किस टीम ने आईपीएल का खिताब नहीं जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स या सनराइजर हैदराबाद? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।